अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फिर मैं आज आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ हेल्थ से रिलेटेड। मैं आपके लिए कुछ आज खास बनाना चाह रहा हूँ जो कि स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए बेहतरीन है। मुझसे ये क्वेश्चन कई दफा लोगों को पूछे थे, यार फिटनेस का राज क्या है, आप कैसे इतने जो है वो एक्टिव रहते हैं हर वक्त, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीख नहीं होती, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कुछ ऐसी चीजें यूज करता रहता हूँ कि जो कि नेचुरल चीजें होती हैं वेदर के दौरान, जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर जो है ठंड तकरीबन स्टार्ट हो गई है, तो वो क्या चीजें हैं जो कि मैं बना के खाता हूँ। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर किया जाए जो मैं बनाने लगा था, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो इंशाल्लाह। तो जी मैं आज जो बनाने लगा हूँ बड़ी जबरदस्त चीज है। ये आप देख रहे होंगे मेरे आगे कुछ जो है हड्डियां पड़ी हुई लकड़ियों की तरह की, आप कह रहे होंगे पता नहीं की फजूल चीज है और कुछ मसाला ज्यादा है। ये बेसिकली बोन ब्रॉथ बना रहा हूँ, बीफ का जो है ना उसका जो है अर्क निकालना है, उसकी यखनी है। और यकीन करें कि मैं एवरी विंटर जो है ना एक दो महीने की चीज़ें यूज़ करता हूँ। ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इसके अंदर हाईली जिंक है, मिनरल्स इसके अंदर काफ़ी हैं, इसके विटामिन सी है, इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा, आपको पता आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर होता है और बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ये वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, क्योंकि ये इस चीज़ को एनहेंस नहीं करती, क्योंकि ये नेचुरल चिकनाई जो कि आपकी बॉडी की नीड है। और यकीन करें यूज़ करें, आपकी स्किन, रिंकल्स, बाल वगैरह, आंखें, आपके जो टेंडन्स, लिगामेंट्स हैं, पट्ठे, आपके मसल्स जो हैं, ये आपको एक वीक के अंदर खुद ही बताएंगे। और बेहतरीन चीज़ इसको बनाने का तरीका कैसा है, ये मैंने हड्डियाँ कुछ ले ली हैं, ये बीफ की जो है, तो मैंने बीफ का जो मीट है वो अलग करवा लिया था और बीफ की हड्डियाँ जो उनको पीसेज वगैरह करवा लिया, इसके अंदर बोन मैरो भी है बड़ा ज़बरदस्त तरीके का आ रहा है। और इसमें मसाला जो क्या है, सिंपल से है, इसके अंदर जीरा है, जिंजर है पिसा हुआ जो है, और ये जो है गार्लिक है, हमारे पास हल्दी है, हमारे पास सूखा धनिया है, हमारे पास काली मिर्च है और एक सिनेमन स्टिक है और कुछ जो है वो गर्म मसाला है, बस ये सादा से मसाले हैं। और यकीन करें आप ये बनाएं, बहुत ही ईजी है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है बनने में, और इसको आप जो है स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और तो कैसे इसको बनाते हैं। तो ये जी पतीली ले ली है, इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो है हड्डियाँ ये सारी इसके अंदर जो है ना ऐड करके, और सिंपली क्योंकि मैंने इनको वॉश कर लिया है, धो लिया हुआ है, और इसके अलावा सिंपली जो सारे मसाले हैं ये इसके अंदर ऐड कर दिए इकट्ठे, ये देखें जिस तरह कर लिए, ठीक है। और इसके बाद सिंपली जो है इसके अंदर पानी जो है ना इसको भर देना आपके, ताकि जिसमें हड्डियाँ जो है ना पूरी तरह जो है ना वो डूब जाए, ताकि ये अच्छी तरह जो है ना ये इसके अंदर जो है ना वो इसका रस निकले सारा, जितना भी इसकी यखनी निकले। और इसका जो स्टोव है बिल्कुल लाइट सी हल्की सी आग पर रख लेना, ये चीज़ याद रखें कि आपने इसको बॉयल नहीं करना, और आप ये 5 से 6 घंटे जो है ये हल्की आग के ऊपर पकता रहेगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको जैसे बनता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तकरीबन 5 घंटे इसको हो गए हैं पकते हुए, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऑलमोस्ट जो है ना वो डन हो चुका है, ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं आराम से इसका जो है ऑयल भी ऊपर आ गया हुआ है, ये देखें हड्डियाँ भी जो है ऑलमोस्ट जो है तकरीबन डन हो चुकी हैं, ये देखें सारा जो इसका ये चीज़ वगैरह सारी वो सेपरेट हो गई है, तो ये पक चुकी हुई है, देखें ये निक भी इसकी जो है बस बाहर निकला ही हुई है। तो मैं अभी आपको जो है डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये तैयार हो गया हमारा बीफ ब्रोथा जो है, इसके यखनी जो है, और ये ज़बरदस्त किस्म की न्यूट्रिशन इसके अंदर है, मिनरल्स ज़बरदस्त किस्म के, मैंने पहले बता चुका हूँ जो मेन जो चीज़ के अंदर वो कॉलेजन है। कॉलेजन आपको पता है स्किन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, जॉइंट्स के इलास्टिसिटी वगैरह के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, और जो जोड़ों की दर्द वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं ये बड़ा ही बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, मैं काफ़ी अर्से इसको टाइम से यूज़ करता हुआ रहा हूँ। ये देखें जी मिक भी जो है इससे बाहर आ रही है, इसको मैंने जस्ट ये करना है, तो ये देखें ये मिक निकला ही है। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, 2-3 दिन खाए, बाकी इसको फ्रीज करके रख दें और एक दिन में एक कप ले लें, एवरी अदर डे भी ले सकते हैं, आपकी छोड़ के भी कर सकते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको अप्लाई करें। गर्मियों में भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सर्दियों में, विंटर में ज़्यादा कर सकते हैं, बॉडी के अंदर चिकनाई जो है, बॉडी का नेचुरल जो है मॉइस्चराइजर ये बड़ा बैलेंस करती है, स्किन पे आपको ड्राइनेस नहीं आती, बेहतरीन चीज़ है, उसको यूज़ करें और इंशाल्लाह जब आप करेंगे हम जो खुद बताएंगे बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं इसको जो है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जाऊँगा, तो आपको उम्मीद है कि वीडियो भी पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।